इंदौरा कॉलेज में छात्रों से की जा रही है फीस के नाम से ठगी। इंदौरा महाविद्यालय में बच्चों से फीस के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें कॉलेज के प्रोफेसर रघुविंदर कुमार गुप्ता और एक चपरासी पर बच्चों से अधिक फीस लेकर दाखिला करवाने का आरोप लगाया गया, जिसमें छात्राओं ने बताया कि उनकी फीस 2200 रुपये थी और रघुविंदर कुमार गुप्ता ने 4000 ली है, जिसकी उन्हें कोई रसीद भी नहीं दी। एक और छात्रा ने बताया कि उसने दाखिला फीस भी दे दी है, लेकिन एक साल बाद उसे पता चला कि उसका दाखिला ही नहीं हुआ। इस प्रकार के और भी कई विद्यार्थी थे जिन्होंने अपनी फीस के लिए शिकायत की। वहीं कॉलेज के चपरासी राजेश कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वह सभी पैसे गुप्ता जी को ही दे देते था और उन्होंने उससे कहा कि तुमने इतने पैसे इनसे लेने हैं। जब रघुविंदर कुमार गुप्ता से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसको झूठा आरोप बताया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं बच्चों से जो अधिक फीस ली गई है उसे वापस कर दिया जाएगा। आपके पास बच्चा आ रहा है और आप बच्चे को बोल रहे कि नहीं ये मतलब आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी, आपकी 600 रुपया फीस कम थी और 600 रुपया कौन डालता, ये तो कोई मतलब बना नहीं ना जवाब सर आपका। राजेश जी आप किस पद पे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? स्वीपर। तो स्वीपर की पोस्ट पे भी आप पैसा लेते थे यहाँ? नहीं आप थे तो आप ये जो गुप्ता जी पे आप लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं आपकी तरफ से कि मैं उनको पैसा देता था, तो गुप्ता जी क्या बोलते थे कि आप उनसे जो बच्चे हैं उनसे पैसे आप लिए? एडमिशन करवाई थी मार्च में आकर, मार्च 2018 में। 18 और जो उसकी रिसिप्ट दे रहे हैं ये कब दे रहे हैं? रिसिप्ट दी नहीं, रिसिप्ट दी है जब मैंने कंप्लेंट करी है। आपने कंप्लेंट कब की? कंप्लेंट की मैंने दिसंबर में, दिसंबर 2018 में। हाँ। और तब तक एडमिशन नहीं हुई थी? तब तक एडमिशन नहीं हुई थी। क्या आपकी एडमिशन हुई थी? जो मेरे बड़े भैया की विषय है। आपकी भाभी? क्या नाम था उनका? पूनम ठाकुर। अच्छा, और आप बोली 4000 लिया? हाँ, 4000। अच्छा, तो किसने लिया 4000? ये आर के गुप्ता जी और केश। तो इनको आपने बोला था, आर के गुप्ता जी से बात की थी आपने कि पैसे क्यों ज़्यादा लिए? हाँ की थी, तो ये बोल रहे थे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, तो हमारी बात विवेक सर से हुई, उन्होंने बताया कि तो। कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रमोद पटियाल ने कहा कि हमने बच्चों की शिकायत को पढ़ा, इसलिए हम जांच कर रहे हैं, दोषी पाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं, अभी उन्होंने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी उससे सेटिस्फाई नहीं दोनों से। अच्छा, दोनों अलग अलग वर्जन, दोनों का अलग अलग वर्जन है, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, कार्रवाई चली हुई है। अच्छा। दोनों का अलग अलग वर्जन, जो चिट्ठी लिखी ना, जो लेटर लिखा उन्होंने मुझे, जो एक्सप्लेनेशन दी उसमें और जो वर्बल एक्सप्लेनेशन, दोनों अंतर था। ठीक है। इंदौरा कांगड़ा से गगन ललगोत्रा, PSS समाचार।